तो अभी बिग बी चिकन लेके आए थे, तो चिकन फ्राई बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग में बता दूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ भी नहीं बताया ब्लॉग में, मतलब रेसिपी ये सब कुछ भी नहीं बताई। तो कॉर्नफ्लोर वाला जो चिकन फ्राई होता है वो तो मैंने एक बार पहले ब्लॉग में बताया हुआ है, ब्लॉग शॉर्ट सब है उसकी। लेकिन आज मैं बेसन में फ्राई कर रहा हूँ चिकन, और ये मम्मा इधर रोटी बना रही है। और ये रहा चिकन, और ये 1 किलो है, बाकी सब जो डालता हूँ बताता हूँ। पहले मैं सिर्फ बेसन ले रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने बेसन में फ्राई करा था तो वैसे ही करा था, जैसे चिकन में मैंने बेसन मसाले ये वो सब डाल के मिक्स करे, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से अच्छा बन सकता है। तो अभी इसमें मैं डालूंगा पहले लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, और ये हल्दी थोड़ी सी, और ये नमक। और गरम मसाला डालना है इसमें, है नहीं, ये मैंने इसमें रख दिया गरम मसाला। ये गरम मसाला इतना, अब ये सब, और हाँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे थोड़ा जो मसाला है वो ऐसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना। ये मम्मा का आइडिया है कि तेल डालने का, तेल डालते हैं मम्मा। पूरा मिला लो, मिला के फिर पानी से मिक्स कर लेता फिर। ये मम्मा ने जो तेल डाल के पूरा मिक्स करवाया ये ऐसा हो गया। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालना है। मम्मा पानी आप डालो ना, हाथ खाली नहीं है। 3 हाथ होने चाहिए अगर व्लॉग बना रहे हो, खाना बना रहे हैं, व्लॉगिंग मतलब व्लॉग में रेसिपी बता रहे हैं, तो क्योंकि एक हाथ से बनाओ एक हाथ से वीडियो बनाओ, तो डालो कैसे। हाँ करता हूँ, बस 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 पहले इसका वो पेस्ट बना दो, इसे मिक्स करना अच्छे से जो पानी है। तो ये ऐसे मम्मा ने पेस्ट सा बोला है कि ऐसे बनाने को, ये इतना बिल्कुल ना के बराबर पानी डाला, मतलब ये देखो ये। अब इसमें सारा चिकन डाल देंगे, ऐसे करना मिक्स अच्छे से पूरे में। थोड़ा सा पानी डाला मम्मा ने अभी, थोड़ा सा और, पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें डालेंगे नींबू, एक पूरा नींबू डालूंगा। ये नींबू डाला, नींबू डाल के सब कुछ मिक्स कर लेना फिर से दोबारा। अब इसमें ये एक अंडा फेंट के डाल दूंगा, फिर से मिक्स अच्छे से। सब मसाला इसमें हो गया, अब मिक्स अप करेंगे इसे फ्राई। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे चिकन। एक तरफ से थोड़ा सा ब्राउन और था तो पलट दिए सारे पीस। ये देखो मेरा जूस निकालने का तरीका ये था, और मम्मा का तरीका ये है। ये देखो ये इसमें अभी दिखाओ कैसे देखो मम्मा कैसे निकालती है। मम्मा कहती वो जूसर वाला झंझट वाला काम है, ये फटाफट वाला। और मम्मा एक बार ये बताओ ये कितने साल पुराना होगा ये जो ये है? 20-25 साल 20-25 साल पुराना है ये जो ये गिलास है। ये देखो एक बार खोल के दिखाना अंदर कैसा जूस निकला। ये इधर हो गया फ्राई, सब फ्राई कर लूंगा फिर उसके बाद ब्लॉग बना दूं। मैंने इसमें निकाला है और इतना अच्छा निकला है, जूसर से भी अच्छा इसमें निकला। तो मैंने जो उसमें जूस निकाला था वो जूसर से भी बहुत अच्छा निकला, जैसे मैंने जूसर से निकाला था उससे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। आप भी पी लो मम्मा। ये हो गया पूरा चिकन फ्राई, तो खाना लेके चलते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सजनीता व्लॉग्स। तो अभी बजे सुबह के 5-5 बजने में भी 10-15 मिनट हैं, 4:45 हो रहे हैं। तो ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह, मतलब मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग छोड़ दिया था सैरी के टाइम बनाने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था डेली वही सेम रूटीन सा हो रहा है, कि डेली वही सैरी दिखाने से वजह से मैंने बीच में
दो तीन ब्लॉग से सहरी नहीं दिखाई थी, तो आज वो वक्त है लास्ट रोज़ा, मतलब जो छूटे हुए रोज़े इतने दिन से चल रहे हैं, जो 7-8 हो चुके, वो आज है लास्ट। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग ले लूँ, तो चलो देखते हैं क्या बनाना है। मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा क्या बनाना, तो बन जाता तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टे ट्यून। तो जो मैंने आज मोमो के लिए बनाया, अंडे की भुजिया और पराठा, तो चलो उठाती हूँ मम्मा। मम्मा नेक्स्ट मॉर्निंग। हूर जो भी कहीं भी कुछ भी काम करता है वहीं जाके घुस के बैठ जाती है और करने नहीं देती। और ये देखो इसने अभी वही करा, मैं यहाँ पे खाली वाली कर रहा था और ये ड्रॉर के अंदर आके बैठी हुई। ये देखो ये बंद कर दू, अभी गिर जाएगा वो, इतना भी मजबूत नहीं। हूर निकल जाए और टूट जाएगा। और मम्मा सच में वो टेढ़ा हो गया। चलो तार अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा, कहाँ जाएगी। ये देखो इसकी हरकत देखो, क्या ये गोल 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 घूम रही है। जा रहा हूँ बाहर, जा रहा हूँ बाहर। देखो मम्मा देखो देखो, चादर सही कर रहा था तब बेड पे आके बैठ गई, अब बाहर आ रहा हूँ तो कैसे आ रही है। पीछे पीछे देखो, मैं आ रहा हूँ इस कमरे में, मैं आ गया इस कमरे में। देखो ये मेरी कितनी बड़ी वाली चमची बन के दिखाती है। मैं तो बैठ गया बेड पे, मैं तो बैठ गया बेड पे। ये देखो क्यों पीछे पीछे घूम रही है, मुझे काम करने दे मेरी बेटी। अब यहीं बैठा और सो जा, अब आने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने अभी दिखाया ना, मैं उधर आ गया फिर इधर आ गई, यानी कि उधर लेटी रहती। देखो देखो इसे, मैं बैठ रहा हूँ चेयर पे। अब बता तुम, ये मैं बैठ गया चेयर पे, कहाँ जाएगी। अब ये देखो इसकी हरकत, पैर पे सर रगड़े जा रही है। क्या हुई ए हूर, तुझको क्या हुई। लेटी रही हो, जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ। ये देखो ये देखो, रोजा खोलने का टाइम हो चुका है और मैंने जोमेटो से ऑर्डर करा था और अभी तक ऑर्डर नहीं आया, तो अभी घर में जो भी है मैं वही देता हूँ जब तक हम रोजा खोले, और रोजा खोलने का टाइम हो चुका है। तो ये खजूर और कल वाले समोसे पर भी देता हूँ। सब ऑर्डर कर भी दिया, जब भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक मिनट दिखा रहा है बात, जब से एक मिनट। 2000 years later. फाइनली आ गया ऑर्डर, मैं जल्दी से जाके लेता हूँ। रोजा खुल चुका है, मम्मा खा रही है, लेके चलता हूँ। मम्मा अभी नहीं शुरू करो तो मत खाओ। तो ये मंगवाया है आज मम्मा के लिए, कढ़ाई कुलचा और ये पिज्जा कुलचा और ये पिज्जा। मम्मा समोसे खा चुके, मम्मा छोड़ दो अब, वो जो जितना बचा है ये सब खाओ, ये सब खाओ। मम्मा और मैं अकेले बैठ के रोजा खोल रहा हूँ, पापा है नहीं, वो बिग भी आ जाएंगे रात को 10 बजे। सब सही लगा मम्मा टेस्ट में। मार मम्मा के स्टाइल का बना रही है चिल्ली चिकन, जैसे मैं बनाता हूँ मेरा तो वो वाला होता है, चला ली मैंने इसलिए मैं इधर आ गया। जैसे मैं चिल्ली चिकन बनाता हूँ तो मेरा तो वो वाला होता है ना, जो रेड रेड ग्रेवी वाला होता है, जैसे बाहर ये रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है। लेकिन ये मम्मा कुछ अलग बनाती है चिल्ली चिकन, 4 टाइम से वाला नहीं खाया, तो मैंने मम्मा से बोला आज आप बनाओ अपने स्टाइल वाला, तो जब बन जाएगा मैं दिखाऊंगा। बिग बी आज 10 बजे घर से आए हैं और ये देखो बिग बी किचन में कुर्सी रख के कैसे बैठे हैं, क्योंकि मम्मा किचन में, इसलिए मम्मा के चमचे और ये मेरी चमची। देखो देखो मेरी चमची को,
पैर दिख जाए बस इसे, है ना, पैर दिख जाए पैर। खा लिया, खा लिया बाबू। ये मम्मा के स्टाइल वाला चिल्ली चिकन। तो अभी अभी हम लोग ने डिनर करा है और अभी मैंने फिर ब्लिंकिट से मंगवाई है पल्पी, तो आ गया है ऑर्डर, लेता हूँ। और बच रहे 12:30 रात के। तो पल्पी पी थी 12:30 बजे, 1 घंटे का गैप हुआ। अब 1:30 बजे पीनी है पप्पा और मम्मा को गुड़ की चाय, तो बना रहा हूँ गुड़ की चाय। और हमारे रात को मतलब दिन भर तो सारा मतलब बिग बी भी अपने काम पे, पप्पा अपने काम से बाहर रहते हैं, दिन भर तो बस मम्मा और मैं होते हैं कि जो भी खाया वाया ये वो, रात को तो सबका चलता रहता है, अब ये तो मतलब रात को सब जगते हैं, मतलब ये है हमारे रात को सब जगते हैं। मतलब मेरा ये है, मैं ज़्यादा ही देर तक जगता हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करना होता है और बाकी सब लोग जगते हैं 2:30-3 ऐसे। कल के व्लॉग में देखा था ना आप लोगों ने, मम्मा 2:30 बजे तक जगी थी, मम्मा पापा और मैं, तो वैसे हम सारे 2:30-3 बजे तक जगते हैं, बिग बी 1:30 बजे तक, पापा मम्मा मैं 2:30-3 बजे तक और मैं 4 बजे तक, क्योंकि मुझे फिर सब जगते रहते हैं जब तक सबके साथ बैठे रहता हूँ मैं, जब सब सो जाते हैं उसके बाद मैं शांति से एडिटिंग करता हूँ, तो बस इसी वजह से। चलो मैं चाय बना लेता हूँ फटाफट। रेडी हो गई मम्मा और पापा की गुड़ वाली चाय। तो अभी मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ और अभी बज रहे हैं 1:30 रात के। और ये देखो आज मैं सोचा मैं हूर के साथ ब्लॉग एंड करूँ, और इस ब्लॉग में मैंने रेसिपी बताई है फ्राई चिकन की, और वो रेसिपी कल की, वो कल बना था, आज चिल्ली चिकन बना था वो आप लोगों ने देख लिया, फ्राई चिकन कल बना था, तो वो थी रेसिपी कल की। अब इसे जाना है नई टिकरी, तो वो रेसिपी थी कल की। तो कल वाला व्लॉग वैसे इतना बड़ा हो गया था, जा भाई तो जा, वो व्लॉग वैसे इतना बड़ा हो गया था, तो इस वजह से मैं सोचा वो मैं आज के व्लॉग में डाल दूं, क्योंकि आज पूरा दिन ज़्यादा व्लॉग नहीं बना। तो चलो इस व्लॉग में रेसिपीज है और बाकी जो भी हो वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।